हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का टॉपिक करने वाला फ्रेंड्स वह एडेनियम का प्लांट है। तो जो भी समस्या मेरे एडेनियम के प्लांट में आई है, अगर यह समस्या आपके प्लांट में भी आपको नज़र आ जाती है समय रहते, तो आप अपने एडेनियम के प्लांट को किस तरह से बचा सकते हैं, वही इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो कौन सी गलती के कारण मेरे जो एडेनियम का प्लांट है वो इस कंडीशन में जो है आ गया है, वो कौन सा प्लांट है आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। उसको आप देख पा रहे हैं कि यह मेरा एडेनियम का कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है, जिसको मैंने जो है 5 से 6 महीने पहले जो है रिपोर्ट किया था। और इसकी जो मैं कंडीशन दिखा रही हूँ, इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यह प्लांट है, इसकी जो ये नीचे का रूट बाउल है वह डैमेज होने लगा। आप देख रहे हैं किस तरह से यह सड़ गया है। तो किस कारण से यह हुआ है वो मैं बताती हूँ आपको। इस प्लांट की यह कंडीशन इसलिए हुई है क्योंकि इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट जो है नहीं मिल पा रही थी। मैंने जो है कई प्लांट एक पास रख दिए थे, और जो एक प्लांट रखा था काफ़ी बड़ा था, तो इसमें दोस्तों ये बरसात का मौसम चल रहा था, तो मैंने सोचा जो है सारे प्लांट एक पास जो है रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी बारिश होती है कि 3-4 दिन लगातार जो है बारिश होती रहती है, तो इसलिए उसमें सारे प्लांट जो है एक पास रख दिए थे। तो प्रॉपर सनलाइट ना मिलने के कारण इस प्लांट की यह दशा हो गई, आप देख पा रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, अगर आपके प्लांट भी इस तरह की कंडीशन आपको नज़र आती है, तो आप सबसे पहले अपने प्लांट को जो है पॉट से बाहर निकालेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले पॉट से बाहर निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो अभी आप देख पा रहे हो कि इसमें जो है अभी ज़्यादा तो अटैक नहीं हुआ है, मैं इस प्लांट को बचा सकती हूँ। तो पहले इस प्लांट को मैं निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने इस प्लांट को पॉट से बाहर निकाला है, इस प्लांट की क्या कंडीशन हो गई है। तो आप भी समय रहते अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो मेरी नज़र आज इस प्लांट पर पड़ी, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी जो अंदर की ये जो रूट्स है, रूट बॉल है, इसका पूरा डैमेज हो चुका है, पूरा सड़ चुका है, क्योंकि इस पर जो है तेज़ धूप नहीं पड़ रही थी। तो एडेनियम का जो प्लांट होता है, तेज़ धूप वाला प्लांट होता है, तो मैंने बरसात के डर से जो है इसको रख दिया था एक पास सारे प्लांट को, लेकिन मेरी एक गलती के कारण जो है मेरा प्लांट इस कंडीशन में जो है आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस प्लांट को बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हमें यह काम करना है, अपने प्लांट को जो है प्लांटर से बाहर निकालना है। उसके बाद जितना भी हिस्सा इसका डैमेज हो चुका है, उसको मैं पहले जो है अच्छे जो नाइफ है साफ, उससे इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद जो अगला काम आपको करना होगा वो ये है कि अगर आपके पास साफ का फंजीसाइड है इस तरह का, तो आप इसका जो पानी बनाएंगे उसमें जो है 2 से 3 दिनों के लिए इस प्लांट को डिप करके रख देंगे। जब अच्छे से यह प्लांट पूरा सूख जाएगा, उसके बाद ही आप अपने प्लांट की फिर से रिपोर्टिंग करेंगे। तो यही जो है मुझे आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोगों के इस तरह के एडेनियम के प्लांट जो हैं ख़राब हो जाते हैं, थोड़ी सी अगर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जरा सी लापरवाही में मेरा यह प्लांट जो है ख़राब हो गया। तो मैं देखती हूँ कि यह कब तक जो है फिर से ग्रो करता है। काफ़ी अच्छा जो है यह प्लांट ग्रो हो रहा था, तो मैं फिर से इसकी कटिंग करती हूँ। किस तरह से कटिंग करनी वो आपको दिखाती हूँ मैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये प्लांट यहाँ से पूरा डैमेज हुआ है इतना, तो मुझे इतना जो इसका पार्ट है यह कट करके हटाना होगा, तब फिर से जो है इसको साफ के फंजीसाइड में डालूंगी। तो यहाँ से पूरा ये इतना आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा यहाँ से मुझे कट करना होगा। तो मैं एक साफ नाइफ लूँगी, उससे जो है इसको कट करूँगी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो है इसी कटिंग इस तरह से कट कर दी है, ये देखिए इस तरह से मैंने जो है इसको अलग कर लिया है, पूरा अच्छे से कट करके जो है साफ कर लिया है पूरा। अब मैं इसको जो है साफ वाले फंजीसाइड में इसको रख दूंगी, और नीचे का जो पूरा ये पार्ट है इसको फेंक देंगे, और जो ये इसके अलग से लगे हुए हैं इसकी शाखाएँ हैं, इनको मैं अलग से ग्रो कर लूँगी किसी दूसरे पॉट में, क्योंकि ये जो है ग्रो करनी ही पड़ेंगी मुझे। तो क्योंकि ये पूरा पार्ट ख़राब हो गया था, तो मैं इनकी जो कटिंग है इनको लगा लूँगी दूसरे प्लांटर में, और
इसको भी मैं साफ वाले पंजे साइड में जो है डिप करके रख दूंगी 2 से 3 दिनों के लिए। उसके बाद जो है इस प्लांट को दोबारा रिपोर्ट करना है। तो अगर इस तरह की समस्या आपके एडेनियम के प्लांट में आती है तो आप भी इस तरह से बिना डरे हुए इस तरह से इसको कट कर दीजिए और फिर से प्लांट आपका जो है ग्रो हो जाएगा। तो एडेनियम का प्लांट जो होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है और पूरे दिन की धूप में रखने वाला प्लांट होता है, तो इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली इसी वजह से यह प्लांट जो है यह डैमेज हो गया है। तो आप इस तरह की गलती ना करें जो मैंने करी है। मैं सारे ही प्लांट को जो है प्रॉपर धूप में रखूँगी। तो बरसात के कारण ही मैंने यह किया था और ज़रा सी लापरवाही में प्लांट मेरा जो है ख़राब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने समय रहते जो है इस प्लांट को देख लिया। तो अब मैं जो है साफ करके फंगिसाइड में इसको डाल देती हूँ। तो यही मुझे शेयर करना था फ्रेंड्स। मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ फ्रेंड्स। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।